सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। भारत विकास की लक्ष्य पूर्ति में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के मूल सिद्धांतों पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। विकास की इस उन्नतिशील गाथा को एक सूत्रधार बनकर सही दिशा दे रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देश का एपेक्स इंटेग्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन थीम के साथ 2022 में ये सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सभी केंद्रीय संगठनों में 3 माह के विशेष अभियान के लिए 6 फोकस एरियाज चिन्हित किए गए हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, अपडेशन ऑफ गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को केंद्र में रखकर सीवीसी केंद्रीय संगठनों की प्रॉपर्टीज के सही संचालन, नियंत्रण, रखरखाव और निरीक्षण पर जोर दे रहा है। इस संबंध में संगठनों ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, सभी लैंड होल्डिंग्स तथा प्रॉपर्टीज की जीआईएस मैपिंग और रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पोर्टल्स प्रॉपर्टीज की रिकॉर्ड कीपिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट एवं रखरखाव में बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र की उन्नति और विकास में वर्क एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि एम्प्लॉयज की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी एवं इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए अहम है। आयोग द्वारा बेहतर एसेट एवं रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए नीतिबद्ध तरीके से सेग्रीगेशन, डिस्पोजल एंड स्टोरेज के निर्देश दिए गए हैं। कई संगठनों द्वारा प्रॉपर प्लानिंग की मदद से ये कार्य किया जा रहा है, ताकि ऑफिस एनवायरनमेंट मॉडर्न और अपडेटेड होने के साथ साथ सहज एवं अनुकूल बने। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रखरखाव की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के दौर में अधिकांश स्टेक होल्डर्स अब संगठनों की वेबसाइट्स के माध्यम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एक आसान व सुविधाजनक विकल्प होने के साथ साथ सर्विस डिलीवरी को और भी पारदर्शी बनाता है। कई संगठन अपनी वेबसाइट को निरंतर न सिर्फ अपडेट कर रहे हैं बल्कि डेडिकेटेड पोर्टल भी विकसित कर रहे हैं। बदलते समय के साथ संगठनों को कंपेटिटिवनेस बनाए रखने के लिए काम करने के नए तरीकों को अपनाना जरूरी है, इसीलिए विभिन्न गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, मैनुअल्स को नियमित रूप से अपडेट करना प्रिवेंटिव विजिलेंस की अनिवार्यताओं में से एक है। सीवीसी लगातार प्रोक्योरमेंट्स एवं विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिशा निर्देश जारी करता रहा है। आयोग द्वारा हाल ही में विजिलेंस मैनुअल को अपडेट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा सीवीसी के सहयोग से गुड्स, वर्क्स, कंसल्टेंसी और सर्विसेज के मैनुअल्स भी बनाए गए हैं। आयोग द्वारा कैंपेन की अवधि के दौरान सभी संगठनों को ऐसी जरूरी अपडेशंस करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शिकायतों का समय पर निपटान केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए एक प्रमुख फोकस एरिया है। केंद्रीय संस्थानों द्वारा 3 माह के इस कैंपेन की अवधि में सभी लंबित शिकायतों का न सिर्फ निराकरण किया जा रहा है बल्कि सिस्टम इंप्रूवमेंट भी सतत रूप से किए जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को तेज करने, देश के विकास को गति देने एवं सामान्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग सतत प्रयत्नशील है।